चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इस महीने के आखिर में इंडिया जा रहे हैं। भारत और चाइना की टोटल ट्रेड है वो तकरीबन 125-26 बिलियन डॉलर है। कि इतना ज्यादा मामलात खराब दोनों मुल्कों के, और इसके बावजूद जो है वो दोनों मुल्कों ने अपनी ट्रेड भी बढ़ाई, चीजों को नॉर्मलाइज भी किया, अपना उस तरह मजाक भी नहीं बनने दिया, इंगेज भी रहे। ये है वो चीज मैं समझता हूँ दैट गिव्स अ लॉट ऑफ मैसेजिंग फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान इंडिया के मामला जो है वो कितने खराब है, और उसमें कोई जिसे कहते हैं ना वो रास्ता नजर नहीं आ रहा। से ये पता चल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गेम इज ओवर। एक बड़ी डेवलपमेंट है, और ये डेवलपमेंट है कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो है वांग यी, जो कि जिनको स्टेट काउंसलर कहा जाता है भी कहा जाता है, वो सुनने में आ रहा है कि इस महीने के आखिर में इंडिया जा रहे हैं। और अगर ये विजिट जो है वो होता है तो ये एक बेसिकली जब से गलवान वैली के वो जो कश्मकश और जो लड़ाई हुई थी चीन और भारत की फौजों के दरमियान, और जब से पेंडेमिक आई है, तो ये एक पहला विजिट जो है वो कंसीडर किया जा रहा है। और इसमें से व्हाट आर द लेसन्स फॉर पाकिस्तान एज वेल। देखिए, इस वक्त जो भारत और चाइना की जो कहा जा रहा है कि जो टोटल ट्रेड है वो तकरीबन 125-26 बिलियन डॉलर है 2021 में, यानी हुई है, और जिसमें इंडिया की जो इम्पोर्ट्स हैं वो तकरीबन 98 बिलियन डॉलर, क्योंकि बहुत बड़ी इम्पोर्ट्स हैं, और तकरीबन ये जो इम्पोर्ट्स हैं ये बढ़ी हैं 2020 में, यानी कि तकरीबन कहा जा रहा है कि 46.1%, यानी कि 67% जो इम्पोर्ट्स हैं वो 2020 में बढ़ी हैं, और कोविड के क्राइसिस करके भी लेकर के, और ये सारा कुछ हुआ है। और अब ये सारी चीज़ें, जिस तरह मैंने बताया कि 125-26 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट, बायलैटरल ट्रेड होना, और इसमें ट्रेड डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा है, जारी बात है बड़े पैमाने पे, और इंडिया इज़ हैवीली फेसिंग ऑल दिस ट्रेड डेफिसिट। और इसमें अगर देखा जाए कि जो सिचुएशन देखने की है, उसमें एक तो एक क्राइसिस सिचुएशन चल रही है, कोविड चल रहा है, LAC पे मामलात चल रहे हैं, लद्दाख में जो हुआ हाईएस्ट लेवल पे मामलात खराब हैं, आपकी जो मिलिट्री की टॉक्स हैं वो हो रही हैं। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते जो 15th राउंड ऑफ कमांडर लेवल टॉक्स जो था हुआ है, और इस पे चाइना और इंडिया जो है वो कॉन्टिन्यूसली लगे तो हुए हैं, लेकिन इस साथ जो है वो जिसे कहते हैं ना कि मामलात खराब नहीं हुए, ट्रेड बढ़ा है। अब फॉर एग्जांपल आप देखेंगे दोनों ममालिक एक ही बात कह रहे हैं, इंडिया कह रहा है जी हमारी म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करते हैं, म्यूचुअल सेंसिटिविटी की बात करते हैं, और म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात करते हैं। ये तीनों लफ्ज जो है ना, ये जारी बात है हर बंदे की अपनी डेफिनेशन होती है। म्यूचुअल सेंसिटिविटी जो है वो ये टेरिटरी आपकी और ये टेरिटरी हमारी है, तो हमारी सॉवरेनिटी को समझे, वो कहेंगे हमारी सॉवरेनिटी को समझे। ये तो लफ्ज जो है ये डिप्लोमेटिक होते हैं, जो कि हर्ष श्रृंगला साहब जो है वो जारी बात है जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं इस तरह की चीज़ों के। लेकिन जो मैं क्वेश्चन उठाना चाह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा मामलात खराब दोनों मुल्कों के, और इसके बावजूद जो है वो दोनों मुल्कों ने अपनी ट्रेड भी बढ़ाई, एक्सपोर्ट भी की, अपने बायलैटरल्स पे भी फोकस किया, अपनी जो थी चीज़ों को नॉर्मलाइज भी किया, अपना उस तरह मजाक भी नहीं बनने दिया, इंगेज भी रहे। ये है वो चीज़ मैं समझता हूँ दैट गिव्स अ लॉट ऑफ मैसेजिंग फॉर पाकिस्तान। अब फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि क्या इस वक्त पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई ग्लोबल लीडर आ सकता है? अगर आप देखें थोड़े दिन पहले, अभी हम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में OIC का इजलास हो रहा है, फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हो रहा है, मार्च में होना था, और उसमें जारी बात है वो कश्मीर के हवाले से सारी डिस्कशन है, तो आई थिंक 46 मिनिस्टर जो मुल्कों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, दे हैव प्लेज टू कम। बट द पॉइंट हियर इज, जो चीज समझने की है, इतना बड़ा पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल क्राइसिस है कि उस OIC के इजलास के थोड़े एक हफ्ते बाद ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब फारग होने वाले हैं। इज गोइंग टू लूज द पावर, वो अपनी पावर लूज कर जाएंगे। द रीजन बिहाइंड इज बिकॉज उनके पास वो नंबर मौजूद नहीं। ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, अमूमन लोग होते हैं एक डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज के जरिए अगर फारग हो जाए तो बुरी बात नहीं है, अनडेमोक्रेटिक एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए।
अब आप देखें, इंडिया में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अब इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का कोई और जिम्मेदार नहीं है। इमरान खान साहब भले कहें अमेरिका करा रहा है, यूरोप करा रहा है, मुझे डीसीट किया जा रहा है, मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, बैन अल-अक़वामी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई है, मैं बहुत बड़ा रिफॉर्मर था, मैंने यूएई को ये कह दिया कि जनाब हम तुम्हारे गुलाम हैं तो हमें पनिशमेंट मिल रही है। अब ये जो चीजें हैं ये जाहरी बात है एक बड़ा एक स्टेप है, लेकिन इसके अगर आप चाइना और इंडिया का बिहेवियर देखें तो दे हैव बीन बिहेविंग सो डिसेंटली। इस पर यू हैव टू जैसे कहते हैं ना एक्सेप्ट कि वो किस तरह बिहेव कर रहे थे। और हमारा जो है, हमारा आपस में पाकिस्तान इंडिया के मामला जो है वो कितने खराब है, और उसमें कोई जिसे कहते हैं ना वो रास्ता नजर नहीं आ रहा, किसी किस्म का रास्ता नजर नहीं आ रहा। और ये रास्ता नजर भी नहीं आना, उसकी रीजन एक सिंपल सी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि वहां पे दिल्ली में बैठी हुई सरकार ये समझ रही है कि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकली वीक है, इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है, तो आप इनको मजीद इंगेज करो, आप इनकी जो सिचुएशन है एक्सप्लॉइट करो,